वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं अपने रूम और किचन की सफाई, यानी कि अपने घर की सफाई। तो दोस्तों, बने रहेंगे हमारे इस न्यू ब्लॉक में। तो देखेंगे, पहले किचन साफ करेंगे, कुछ सामान लेकर आए हैं उसको पहले सेट करेंगे, फिर किचन साफ करेंगे। तो बने रहेंगे आप हमारे इस ब्लॉक के साथ। तो दोस्तों, अभी हमने इसमें आटा भर के रख दिया पूरा, और इधर इसमें चावल रख दिया है, और ये अरहर की दाल एक डिब्बा भर के रखी है, और इधर इसमें दलिया है ना, दलिया है तो इसको छोटे डिब्बे में कर लेते हैं फटाफट। वीडियो नहीं और साहब, 2 घंटे की जगह 4 घंटे लगेंगे। हमने सोचा टाइम लगेगा, खाली है अभी 2 घंटे 3। तो किचन का सामान लेकर आए थे उस दिन, तो हमने कहा भर के रख, भरा नहीं था, भरा नहीं था, और भरे के चक्कर में हम सुबह रोटी नहीं बनाई, चाटा बंधा रखा था, फिर हमको कौन खोले, टाइम लगेगा, फिर हम तहरी बना ले गए थे। हाँ नहीं, आलस आ गया था सुबह, लेकिन आता नहीं है। सोयाबीन, तो सोयाबीन को हम इसका तो इसमें हमने सोयाबीन भर लिया है दोस्तों, और भरने के बाद में धुलाई जो ये देख रहे हैं आप, ये बाद में करेंगे, बंद करके आराम से धुल देंगे इनको। ये इतना मैक्रोनी भर के रख दिया है, ये मिर्चा भर दिया हमने डिब्बे में, और इधर ये धनिया भर दिया है, ये हल्दी भी डिब्बा भर लिया, और ये खड़े लाल मिर्च ये भी भर लिया, इतना ये चाय की पत्ती भर के रख लिया है, इतना हो गया है। फटाफट और करते हैं। और ये भर के रख लिया है मूंगफली। अब हम चीनी भर लेते हैं। ये चीनी भर के रख लिया, और ये हो गया नमक एक डिब्बा भर के रख लिया, और ये हो गया मैदा। अब हम फटाफट छोला भर लेते हैं। ये हो गया छोला, और ये हमने भर के रख लिया मसूर की दाल, और ये है उड़द की दाल। अब इसको भी भर लेते हैं। और ये सूजी हो गया, हमने सूजी भर के रख लिया है, और ये हमने साबुदाना इसमें कर लिया है, इसको भी बंद कर लेंगे। अभी ये बचा है नारियल बुरादा, जिसका लड्डू बनाना है, तो इसको भी भर के रख लेते हैं। और इस बादाम के लिए तो हमें डिब्बा ही नहीं बचा, और काजू के लिए भी डिब्बा नहीं बचा, तो आप काजू बादाम किस में रखें। और ये इसका नरिश का और ये फॉर्चून, 2 बच्चे हैं, इनको भी कहीं पैक कर देते हैं। ये क्या है कमेंट करके बताओ, पहचान रहे हो ना, देसी मिठाई, यही इसी से दिवाली मनानी है। ये तो आधा निकालते निकालते ख़त्म भी हो गया। ये हम लाए हैं विवेल, हम विवेल ही यूज करते थे इसलिए विवेल लेकर आए। ये है पोहा मसाला, इसके बिना तो स्वाद ही नहीं आता। ये है बासमती राइस, जिसका बनना है पुलाव। ठीक है, पॉपकॉर्न, डिटॉल का पैक, ये साबुन बर्तन धोने के लिए, ये है कस्तूरी मेथी। तो दोस्तों, मेरा इतना हो गया है, अब
इतना हमने भर के रख लिया है और इनको धुलाई बाद में करेंगे। मैंने जल्दी जल्दी भर के रख लिया, इधर देख सकते हैं आप सब भर के रखा है। और इनको अभी जो धुलने वाले होंगे उनको धुलाई करेंगे, जो पोछने वाले होंगे वो पोछ लेंगे। और मैंने भर के रख लिया है सामान इधर इतना, ये पैकेट जो यूज़ करने वाला है वो डिब्बों में भर लिया, जो नहीं यूज़ करने वाला है वो। और ये लगभग 2 महीने का सामान हो गया है, तो मुझे नेक्स्ट मंथ नहीं लेना होगा, तो वो पैसे बच जाएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं तो यूज हो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगले महीने तक का राशन हमने भर लिया, हो गया है टोटल। जो चीज़ कम होगी वो लेते रहेंगे बीच बीच, हालांकि कम तो रहता ही है। तो ये मेरी दिवाली की सफाई ऐसे हो रही है। बाकी ऊपर अभी आप देख रहे हैं पूरा पड़ा हुआ अस्त व्यस्त, ये देखो सब पूरा वैसे ही पड़ा है। और अब हम ये हमने किचन के नीचे बिछा दिया, अब इसके नीचे हम फटाफट सेट करेंगे डिब्बे। तो ये हमने इधर सेट कर दिया ऐसे, ये इधर, अब इधर का करेंगे और ये सब साफ कर देंगे फटाफट, इसको तैयार करते और ऊपर ये सब धुलाई करेंगे, तब जाके इधर सही करेंगे। दोस्तों किचन के पत्थर पे चिकनाई हो जाती है, इसलिए हमने इसको सर्फ से धुला है और धुलने के बाद में सूखे कपड़े से हमने पोंछ दिया। देखिए आप कितना क्लीन हो गया है। और अब हम क्रॉकरी को धुल लेंगे, क्योंकि क्रॉकरी ज़्यादा यूज नहीं होती है, लगभग कभी कभार यूज होती है, एक दो कभी यूज होते हैं, लेकिन ये है कि ओपन रखे रहते हैं तो डस्ट बहुत लग जाती है, तो डस्ट धुल जाएगी। एक बार धुल लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद में चूल्हे को साफ कर लेंगे, चूल्हे में भी चिकनाई और डस्ट आ जाती है, तो इसको गीले कपड़े से अच्छे से साफ कर लेंगे। हालांकि धुलाई नहीं करना है अभी, मुझे इतना भी गंदा नहीं था, लेकिन डेली साफ होता रहता है, तो इसको ऐसे गीले कपड़े से पोंछ लेंगे। तो दोस्तों किचन मेरा पूरी तरह रेडी हो चुका है, बिल्कुल क्लीन लग रहा है, आप देख रहे हैं हर चीज़ व्यवस्थित। और किचन वैसे भी बहुत खूबसूरत और साफ़ होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, क्योंकि किचन में ज़्यादा से ज़्यादा समय किचन में बीतता है लोगों का, तो सब चीज़ व्यवस्थित कर दी है। तो दोस्तों किचन साफ़ होने के बाद में अब करेंगे रूम की सफाई, तो हालांकि रूम ज़्यादा गंदा नहीं है, तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको भी। अब दोस्तों इसको लगाएंगे हम, ये बाबा का फोटो यहाँ पे सामने बड़ा सा लग गया है, फोटो बाबा का बड़ा सा ऊपर लग जाएगा कास्केट, अच्छा लग रहा है ना। इसको बिछा लेंगे तुम्हारे साथ। तो दोस्तों इतना सामान दिए इधर वाला है और ये भैया मेरे साथ में करा रहे हैं, तो हो भी जाएगा, हमें तो कर भी नहीं पाते, इतना एरिया ये इधर का खाली है। और इधर हमने ये बाबा का फ़ोटो लगा दिया बड़ा सा, और इधर ये हमने बेड डाला है, इस पर हम इस बार सेट करेंगे। पहले इस पर सामान रखा था, इधर फोल्डिंग पे थे, अब इधर आ जाएंगे बेड पे, इधर बेड पे आ जाएंगे तो इधर फोल्डिंग खाली हो जाएगी। फोल्डिंग खाली क्या हो जाएगी, ये सामान फोल्डिंग पे ही सेट कर देंगे इधर, और इसको कूलर को पैक करके रखेंगे, सारा सामान सेट करेंगे अब सही से। और बज गए हैं, सुबह के लगे हुए हैं, बज गए हैं 3, दोपहर के 3 बज गए हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज छोटी दिवाली है और मेरी सफाई नहीं हो पा रही है। आप लोगों की छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। कल धनतेरस को किचन साफ़ किया, इधर आज रह गया तो आज हो जाएगा, कोशिश है कि मेरी हो जाए। इतने ढेर गठरे भर कपड़े थे, क्योंकि हमने धुले थे
वहाँ से आए थे, क्या नाम, वृंदावन से आए, लौट के आए थे, यानी कि 15 दिन पहले दशहरा की छुट्टी में कपड़े धुले थे, तब से नहीं धुले थे, लगभग 15 दिन हो गए, 15 दिन से कपड़े नहीं धुले थे, तो मैंने सोचा चलो आज ही धुल लेते हैं, तो वो कपड़े धुले, अभी हालांकि रह गए हैं, वो मैं कल धुलूँगा, और जो अभी सॉक्स हैं वो बाकी बाद में बहुत काम हो गया, तो बने रहेंगे हमारे साथ। तो दोस्तों आज नरक चौदस का ये दिया हम जलाने जा रहे हैं, तो हमने आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी खूबसूरत वीडियो के साथ। दोस्तों एक प्यारे से कमेंट में बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, हैप्पी दिवाली।